गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा, लेट अस रिपीट कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन अहेड विद आवर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. बेटे लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल है उसके बारे में बेटे हमने डिस्कशन कंप्लीट किया था. Let us really focus upon the projectile given some angular projection. We have a projectile with some angular projection beta. Angular projection. इसमें बेटे इमेजिन कर लीजिएगा कि आपको एक एक्सिस जो है एसएच बेटे दे रखे हैं एंड लेट इट बी वर्टिकल एक्सिस बेटा एंड लेट अस इमेजिन दैट हियर वी हैव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद दिस बेटे एंड जब आप ये सारे एक्सिस बेटे ड्रॉ कर लेते हो एक्सिस ड्रॉ करने के बाद let it be the origin, suppose here to be the x-axis and here to be the y-axis beta. Furthermore, हम ये चीज बेटे सपोज करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है that has been projected, suppose at some angle beta, इसमें नहीं मार रहा हेल्थ किट, theta with the horizontal beta. आपने थीटा एंगल पे अपने प्रोजेक्टाइल को बेटे प्रोजेक्ट किया है और इनिशियल वेलोसिटी आपके प्रोजेक्टाइल का स्मॉल यू है. दिस एंगल इज गिवन टू बी बेटा थीटा एंड इन दिस सिचुएशन वी विल बी फर्दर एनालाइजिंग दैट बेटे आपका जो ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है इट विल बी समथिंग लाइक दिस. और आप कैसे जानते हो पाथ को हम बेटे ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहा करते हैं. ये आपके प्रोजेक्टाइल का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां तक आपका प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करके आ रहा है. दिस इज कॉल्ड बेटे टाइम ऑफ लाइफ ऑफ योर प्रोजेक्टाइल. यहां से यहां तक रादर इसको आप हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ले रहे हो तो आप इसको रेंज बोल दीजिए. टाइम ऑफ लाइफ होगा टाइम फॉर द होल जर्नी during which your projectile it is with a remaining in the air and bilkul center mein dekhiyega ye point aapko de dega h maximum beta. aapke projectile ne maximum vertical height kitna cover kiya hai that we will be calculating in this particular way beta. then imagine kar lijiye is u ko aapne कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया u cos theta along the horizontal and beta this u sin theta it will obviously be along the vertical direction beta. जैसे हमने बेटा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज किया था फॉर द केस ऑफ द प्रोजेक्ट आई अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस वी विल बी ऑन द सेम वे. distance along the x-axis is ux into t plus half ax into t square करेंगे हम बेटा और आपका जो distance covered है by the projectile it will be बेटे x minus x naught it is ux into t plus half ax into t का complete square बेटा. x component आपके projectile की initial velocity का ये है ये y कंपोनेंट है बेटा और एक्सेलरेशन इन दिस केस बेटे आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो है दैट इज जीरो. तो आइए इन वैल्यूज को पुट कर दें अगर बेटा जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो आपका ओरिजिन है एक्स नॉट विल बी जीरो यू एक्स आपका यू कॉस ऑफ एंगल थीटा है ए एक्स आपका बेटा जीरो है और टी दिस इज द टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल टू कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो आपके पास एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू देन यू कॉस थीटा
into this t beta, ax being zero, और आप p को निकाल सकते हो x upon u cos theta कर लीजिए बेटा, this is the time in terms of your beta x and initial velocity small u beta. You have the equation applied along the y-axis beta. This is beta y minus y naught is u y into t plus half a y into t square. ये beta आपके पास जो है along the vertical equation आ जाएगा. अब आइए वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा. आपका यू वाई जो है दिस इज यू साइन थीटा है, ए वाई आपका जी के बराबर है बेटा, एंड रादर माइनस सी के बराबर है आपका प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है. वाई नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो यू विल से दैट वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर. When we are saying that our projectile is moving from this point in the upward direction, we will be taking for the vertical motion g to be negative beta. अब आप values put कर दीजिए t की. यहाँ पे आपके पास y जो है it will be beta u sin theta, small t will be x upon u cos theta आ जाएगा बेटे आपके पास. And this is minus 1 by 2 g t is x upon u cos theta का स्केयर कर लीजिए आप. ये टर्म आपको बेटा मिल जाए, जो फैक्टर्स आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए. स्मॉल u गेटिंग कैंसिल, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा बेटा. y इज इक्वल टू x tan theta, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, एंड दिस इज माइनस वन बाई टू ये जी अपॉन यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा एक्स का स्केयर साथ आ जाएगा बेटे ऐसे ही. इसमें टू कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, यू कॉन्स्टेंट है, थीटा आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है बिकॉज आपने अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बदला है, सेम रखा हुआ है. सो ये आपकी इक्वेशन जो है बेटा डियर चिल्ड्रन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक पाथ. और आप कह सकते हो कि जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल है इट इज बेटा पैराबोलिक इन नेचर बेटा. सो आपने अभी तक यही बात प्रूव की है कि आपका प्रोजेक्टाइल अगर आप अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर देते हो तो इट विल फॉलो बेटे पैराबोलिक पाथ. नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन आइए मैं थोड़ा आपको और इसके साथ रिलेटेड जो टर्म्स हैं बेटा उनके साथ भी एक बार फैमिलियर करवा दूं. दिस वाज योर वाई एक्सिस बेटा. सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की. टाइम ऑफ फ्लाइट को बेटे आप कैपिटल पी कह देते हो, एंड ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जैसे आप लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हो बेटे, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच योर प्रोजेक्टाइल इट रिमेन्स इन द एयर बेटा. टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल remains in air. आप अपने time of projectile के जो time of flight को दो parts में बांट भी सकते हो बेटा. यहां से start करके बेटे top तक का जो time है इसको आप कह देते हो time of ascent, और यहां से यहां तक का जो time है this is time of descent बेटा.
ओरिजिन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक का जो टाइम आपके प्रोजेक्ट टाइल ने लिया है दैट वी मे बी टर्मिंग एट टाइम ऑफ असेंट बेटा डियर चिल्ड्रन. हाईएस्ट पॉइंट से अगेन अप टू द अदर पॉइंट दिस इज कॉल्ड बेटा टाइम ऑफ डिसेंट. मैं टाइम ऑफ असेंट के लिए बेटा रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ. लेट अस बेटी कंसेंट्रेट अपॉन दिस बेटा. आप जानते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. आप इसको अलोंग द वर्टिकल यूज कर लीजिए बेटा. आप वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कर लीजिए. वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपके पास बेटे जो है ये है. फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे फॉर ए मोमेंट जीरो हो जाएगी. ये इनिशियल कंपोनेंट है. लेट मी राइट वन बाई वन बेटा ऑल दीज टर्म्स. इट विल बी देन मोर क्लियर टू यू ऑल. जब हम प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं आपके पास कोई बॉल वगैरह भी अगर हो आप इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो फॉर ए मोमेंट वहां पे रुकता है देन इट कम्स डाउन. फिर से देखिएगा ये प्रोजेक्टाइल है आपने ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका यहाँ पे फॉर ए मोमेंट रुका देन इट विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इट विल मीन दैट आपके प्रोजेक्टाइल का फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट एट दिस पॉइंट बेटा इट विल बी जीरो. इनिशियल कंपोनेंट आपके पास यू साइन थीटा ऑलरेडी बेटे है. बेल्ट नहीं होएगा अलमारी थी होएगा. हाँ जी हाँ जी तुझी रखी हुई तो प्लस टू रिजल्ट लेके आए. यू वाई आपके पास बेटे है. आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए. दिस इज जीरो दिस इज इक्वल टू यू वाई दिस इज बेटा यू साइन थीटा. और जब आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बेटे ट्रेवल कर रहा है देन आप ए वाई जो आपका है जैसे आपने ऑलरेडी बात की थी नेगेटिव ले लोगे. इट विल बी माइनस जी टाइम ऑफ असेंट बेटे अप टू द हाईएस्ट पॉइंट. आप टी की जगह पर पुट कर सकते हो टी ए. इन दिस मैनर बेटा वी कैन से दैट जी इनटू टाइम ऑफ असेंट दिस इज यू साइन थीटा टाइम ऑफ असेंट दिस इज बेटे यू साइन थीटा अपॉन स्मॉल जी बेटे. और डियर चिल्ड्रन आपका प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सिमेट्रिकल है यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक हाईएस्ट पॉइंट से फिर आगे. इट विल डायरेक्टली मीन दैट बेटा जो टोटल टाइम ऑफ लाइट है आपका दैट इज ट्वाइस द टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट. एक बात याद रखिएगा टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट दोनों बराबर ही होते हैं अगर आप कैलकुलेट भी करके देखो. देन टोटल टाइम ऑफ लाइट इज ट्वाइस द टाइम ऑफ असेंट. दिस इज ट्वाइस टाइम ऑफ असेंट आपके पास था स्मॉल यू साइन थीटा अपॉन जी बेटा. एंड डियर स्टूडेंट्स बेटा आपके पास टोटल जो टाइम ऑफ लाइट है टू यू साइन थीटा अपॉन जी के बराबर आपका टाइम ऑफ लाइट आपको बेटा मिल गया. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ लाइट बेटा ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन सम एंगुलर प्रोजेक्शन बेटा. इसके बाद बेटे आपके पास बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है और हम बेटे कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज को बेटा वर्कआउट कैसे कर सकते हैं. डियर चिल्ड्रन लेट अस बेटे कंसेंट्रेट अपॉन द हॉरिजॉन्टल रेंज. जैसे आप लोग ऑलरेडी बेटे जानते हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल बेटे. सो उस सिचुएशन में हम बेटे क्या करेंगे कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपका बेटे जो डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल है उसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और आपका रेंज आ जाएगा. आइए डियर चिल्ड्रन स्टेप बाई स्टेप इसको करके देखें. बिफोर आई प्रोसीड विद दैट ऑल आई कैन सी बेटा राइट हरनूर कौर जैकलीन मंजोत नमन अर्शप्रीत राघव रमन सहज वंश दिलजीत दिवनूर दिया एंड दिलजीत दिया देवनूर दृष्टि हरमन गुरसिमरन इश्नूर मिताली एंड प्रभदीप.
बेटे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, आई विल बी रिपीटिंग दैट, अदरवाइज अगर क्लियर है तो शुड आई प्रोसीड अहेड बेटा। ऑल वेल बेटे, ठीक है जी बेटे, ठीक है। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है हॉरिजॉन्टल रेंज की बेटा। बच्चों जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका प्रोजेक्टाइल बेटे कितना डिस्टेंस कवर करता है बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज बेटे, वी विल से दैट बेटे हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल हाँ जी डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल। बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा, जब आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस कवर्ड निकालोगे तो वी मस्ट बी रिक्वायरिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिटवीन वेलोसिटी का। सपोज करिए वी वांट टू कैलकुलेट एस एक्स डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल, इट विल बी ऑब्वियसली यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का बेटे स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, यू एक्स तो चलो आपको पता ही है, अब उत्तर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको बेटे यहां से स्टार्ट होकर यहां तक पहुंचना है, आपने टोटल टाइम आपके जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ लाइट है वो लेना है यहाँ पे, तो इट शुड बी कैपिटल पी। ए एक्स आप जानते हैं जीरो है, यू एक्स आप जानते हो, एस एक्स को उत्तर आपने आर बोल दिया तो इट विल बी आर इज इक्वल टू यू एक्स। बेटे आपके पास ये देखिए दिस इज यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी कर लोगे, ये टर्म आपकी वैसे ही जीरो हो जाएगी क्योंकि ए एक्स जीरो है, टी की वैल्यू पुत्र जी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो इसके डबल को करके, तो आइए मैं एक दो स्टेप्स और ऐड करके आपको ये रेंज निकाल देता हूँ। बच्चों रेंज आपके पास आ गया यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू डियर चिल्ड्रन आपने निकाल ली ऑलरेडी, देखिए दैट वॉज टू यू साइन थीटा अपॉन जी आपने निकाला था टी, जरा चेक करके बताइए बेटे यही था। जैकलिन बेटा, मनजोत, नमन, अर्शप्रीत, राघव, रमन, सहज, वंश, दिलजीत, चेक करिए ये टी आपका यही था पुत्र जी, वेरी राइट बेटे, ठीक है बेटा। अब बेटे हमें इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इक्वेशन को। आप लोग देखो बेटे अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। आर आपके पास जो है मैंने बेटा ये देखिए आपका जो है यू स्केयर, एक यू इंटू एन अदर यू, इट विल बी यू स्केयर बेटा, ये टू आपके पास उत्तर है ही है, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कर लू बेटे, आई डोंट थिंक कि कोई इससे प्रॉब्लम होगी। u into u, u square, 2 sin theta cos theta upon g, it will work. और 2 sin a cos a, या 2 sin theta cos theta, आपका sin 2 theta होता है बेटा, और आप लिख सकते हो r is u square sin 2 theta upon g बेटा, ये आपके पास dear students horizontal range आ गया बेटे आपके projectile का। अब बच्चों बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आपको कहा जाएगा कि आप ये बताइए कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। अभी आपने कल परसों देखा होगा बेटा कि इंडिया गॉट गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो बेटा, उसमें जब वो जेवलिन थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम करने के लिए इस एंगल की एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा तभी आपका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, नहीं तो नहीं। तो आपके जो बेटे फिजिकल सपोर्ट एंड एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी ये सारा
आपका फिजिक्स इन्वॉल्व रहता है, एक एक चीज को उन्होंने बेटे 100-100 बार कैलकुलेट किया होता है, तब जाकर आपके जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। सो आओ पुत्र जी एक बार देखने करके आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए बेटा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे दूर तक चला जाए, सबसे दूर विद दीज ऑल पैरामीटर्स। तो डियर चिल्ड्रन, आर आपके पास था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम चाहते हैं आर जो है इट शुड बिकम रादर मैक्सिमम बेटा, फॉर आर टू बी मैक्सिमम बेटा हमें इस टर्म को पकड़ना पड़ेगा। जितनी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो वेलोसिटी तो आप बदल नहीं सकते और जी आप बदल नहीं सकते, आप अपना एंगल का एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो आपका जो साइन 2 थीटा है इट शुड बी मैक्सिमम बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू बेटे साइन थीटा की जो 1 नहीं होती है बेटा, ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम 1 हो जाएगी पुत्र। तो आपका साइन 91 के बराबर होता है और यहाँ पे 90 की जगह पे ये दिया हुआ है आपको, तो 2 थीटा आपका जो है इट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना बेटा, आप मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ, साइन 2 थीटा 1 के बराबर कब होगा, अगर साइन 90 के बराबर ही हो जाएगा ना, साइन 91 होता है ना डियर चिल्ड्रन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट विल मीन दैट 2 थीटा आपका 90 के बराबर आ गया जी, और अगर ये 90 के बराबर है थीटा आपका बच्चों 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटे तो मेरे इस केस में प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज का मैक्सिमम वैल्यू जो है आर मैक्सिमम जो है इट विल यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 विल बी 90 अपॉन जी बेटा, ये आ जाएगा। और बच्चों आर मैक्सिमम जो है इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बेटे निकाल सकते हैं। जरा सारे स्टूडेंट्स ऊपर चेक करके बताइएगा आपको समझ में आ गया बेटा। अंजलि, हनूर, जैकलिन, मंजोर, नमन, अर्शप्रीत, राघव, रमन, सारे स्टूडेंट्स बेटे, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। ओके बेटा, कोई बेटे आपको पॉइंट नहीं पता चला होगा तो बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। सो दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट यूर बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। इस पे बेस्ड आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको टाइम ऑफ लाइट पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और बेटे आपको वर्टिकल हाइट इसको भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। आइए बेटे ये हमारा तीसरा पॉइंट रह गया है, हमारा मैक्सिमम वर्टिकल हाइट बेटे हम कैसे निकालेंगे, आइए कंसंट्रेट करें, देखें इसको बेटा सॉल्व करके देखें कि कैसे हम इसको बच्चों कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट बेटा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालने के लिए बेटे मैं फिर से वही इक्वेशन यूज करूंगा, आपका थर्ड इक्वेशन अलोंग द वर्टिकल, दैट इज बी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s होता है डियर स्टूडेंट्स, बी वाई का स्केयर माइनस यू वाई का स्केयर दिस इज 2 एंड ए आपका बेटे माइनस सी हो जाएगा, एस को आपने बच्चों एच मैक्सिमम कह दिया है, ये देखिए वर्टिकल। अब डियर स्टूडेंट्स आपको जैसे मैंने बताया था एक बॉल है आपने प्रोजेक्ट किया, जब आप प्रोजेक्ट करते हो यहाँ पे जाके फॉर ए मोमेंट रेस्ट पे आता है, देन इट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर ए मोमेंट 0 होगा, यू वाई आपके पास ये है ही है, यू वाई आपके पास है जी यू साइन थीटा
और बाकी चीजें आपने पुट कर दी हैं, इट विल बी जीरो स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा का पुटकर जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एंड एच मैक्सिमम बेटे आ जाएगा। और आइए मैं इसको टर्म्स को थोड़ा सा बेटा और इलेबोरेट कर दूं, ये जीरो मैं नहीं लिखता, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस इज माइनस टू जी, लेट मी री राइट, माइनस टू जी एच मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस से माइनस बेटे कट गया। और डियर चिल्ड्रन आपके पास एच मैक्सिमम बन गया जी, फिर ध्यान दीजिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी बेटे। तो ये आपके पास बच्चों वर्टिकल हाइट की मैक्सिमम वैल्यू बेटे आपको मिल गई। सो ये आपका बेटे तरीका है इस वर्टिकल हाइट को निकालने का। आइए मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बेटा तीनों फॉर्मूलाज को क्लब करके लिख दूं, देन वी विल बी मूविंग अहेड। आपको ये रिलेशनशिप्स बेटे याद होने चाहिए बिकॉज इनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपको बड़े केयरफुली ये सारे का सारा काम करना होगा। पहले था आपके पास टाइम ऑफ लाइट, इट इज टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आपके पास था। देन आपके पास था हॉरिजॉन्टल रेंज, इट वाज यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन टू थीटा अपॉन जी। तीसरा था आर मैक्सिमम पुत्र कितना है, यू स्क्वायर अपॉन जी। चौथा था एच मैक्सिमम कितना है, ये आ गया जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये बेटे रिलेशनशिप आपको याद रहने चाहिए पुत्र जी, इनके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा बेटा। किसी भी इंस्टेंट पे जब आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, आपको याद होगा हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में भी किया था। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास बेटे कोई आपने पी पॉइंट लिया यहाँ पे, और आपका वेलोसिटी यहाँ पे यू है, सॉरी वी है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी था। ये आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बना सकते हो दिस वे, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट। मैं रीड्रॉ करता हूँ बेटे, यहाँ पे डायग्राम में आपका ना ज्यादा हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा हमें। लेट मी रीड्रॉ दिस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द सेम कंसेप्ट टू यू। इमेजिन कर लीजिएगा ये आपका प्रोजेक्टाइल है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, ये वर्टिकल एक्सिस हैं। आपने ये इनिशियल वेलोसिटी दिया आपने प्रोजेक्टाइल को, और आपका प्रोजेक्टाइल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करता हुआ यहाँ पहुंच रहा है। ये पॉइंट आपने चूज कर लिया पी, पी पॉइंट पे आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वी। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स आ गया जी, ये वर्टिकल कंपोनेंट वी आई आ गया, वी वाई आ गया, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और आप अच्छे से जानते हो बेटा कि आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन 90 तो जीरो ही हो जाएगा, और वी आपका यू प्लस ए टी होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, ए एक्स तो आपका जीरो हो जाएगा, और बी एक्स आपके पास आ गया यू कॉस थीटा, और ऐसे ही बी वाई आपका जो है इट विल बी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, बी वाई आ जाएगा, यू वाई आपका यू साइन थीटा था माइनस जी टी बेटे आ जाएगा, टी इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बेटा, पुट कर दीजिए। बी डियर चिल्ड्रन आपके पास आ गया ए बी एक्स का स्केयर, इसका स्केयर यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस इन दोनों का स्केयर कर लीजिए, इट विल बी यू स्केयर
साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा बेटा, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाली टर्म आपको वन दे देगी। बी विल बी इक्वल टू बेटा यू स्क्वायर प्लस इट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड माइनस टू यू जी टी कॉस थीटा ऑल अंडर द रूट। सो डियर चिल्ड्रन, बेल हो गया, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं कल यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूंगा वेलोसिटी से बेटा। आप अपनी वर्टिकल हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ लाइट बेटे कैलकुलेट कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल बेटा।